आज एक बार फिर से अंबाला कैंट पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार लगा, जिसमें पूरे प्रदेश से हजारों की संख्या में फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि जितने भी लोग जनता दरबार में आते हैं, हम उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उनका समाधान करने की कोशिश भी करते हैं। वहीं उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। वहीं उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि मैं किसी भी प्रकार की अपराधियों के साथ मिले भगत को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। वहीं गोहाना से आई महिला की शिकायत पर उन्होंने सोनीपत एसपी को लताड़ भी लगाई। उन्होंने कहा कि जो भी महिलाओं के खिलाफ अपराध है, उनको सभी पुलिस कप्तान व कमिश्नर प्राथमिकता के आधार पर सॉल्व करे। वहीं आज एक बार फिर से जनता दरबार में फरियादियों की भारी भीड़ देखने को मिली, जिसको लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हमारा आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि जो भी फरियादी जनता दरबार में आए हैं, उन सब के समस्याओं को सुना जाएगा, चाहे इसके लिए रात के 2 बज जाएं। और जितने भी लोग आते हैं, हम उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उनका समाधान करने की कोशिश करते हैं। पुलिस वालों को नहीं, बिल्कुल किसी भी प्रकार से, सारी पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से मेंटेन रखना और किसी भी प्रकार का अपराधियों के साथ मिली भगत जो है उसको मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ। मैंने पहले कह भी दिया था और पुलिस अपना काम कर रही है। देखिए, जो भी अब ये महिलाओं के खिलाफ अपराध हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर सभी जो पुलिस कप्तान हैं और कमिश्नर्स हैं, उनको उसको प्राथमिकता के आधार पर उनको सोल्व करना चाहिए। क्या हमारा अभी तक का ये नियम रहा है कि जितने भी लोग आ जाते हैं, हम उन सब की बात सुनते हैं, चाहे रात के 2 बजते हैं। अभी तक तो हमने यही किया, जो भी लोग आए हैं, हम सबकी बात को सुनेंगे। संसद ने बना नया कानून बिल पेश किया गया, जिस पर गृह मंत्री अनिल विज ने खुशी जाहिर की और उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के जमाने के कानूनों को खत्म करने के लिए पहली बार किसी सरकार ने यह कोशिश की है। उन्होंने कहा कि अधिकतर कानून 1857 की क्रांति के बाद बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये अंग्रेजों के बनाए हुए कानून है। उन्होंने इसी अच्छी बात बताते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अब हिंदुस्तानी कानून बनाया, मसौदा लोकसभा में पेश किया है। उन्होंने कहा कि अब वो सिलेक्ट कमेटी को चले गए हैं और अपना समय लेने के बाद वो सिलेक्ट कमेटी में आएंगे और हिंदुस्तान के कानून जो शासन व्यवस्था होगी, हिंदुस्तानी परिस्थितियों के अनुरूप होगी, हिंदुस्तान के कानून होंगे, उसके अनुसार अब कानून व्यवस्था चलाई जाएगी। मुझे तो बहुत खुशी है कि अंग्रेजों के बनाए हुए समय के कानूनों को खत्म करने के लिए पहली बार किसी सरकार ने ये कोशिश की है कि उनके स्थान पर जो बनाए गए हैं, ये अधिकतर कानून 1857 की क्रांति के बाद बनाए गए थे। पुलिस एक्ट भी उसके बाद ही बना था, CRPC, IPC सब उसके वक़्त ही बने थे और वो अंग्रेजों के बनाए हुए ही कानून हैं और कई तो हास्यास्पद है। तो ये अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब हिंदुस्तानी कानून बनाने का जो मसौदा है वो लोकसभा में पेश किया है। अभी वो सिलेक्ट कमेटी को चले गए और अपना समय सिलेक्ट कमेटी लेने के बाद वो आएंगे और हिंदुस्तान के कानून, जो शासन व्यवस्था होगी हिंदुस्तानी परिस्थितियों के अनुरूप होगी, हिंदुस्तान के कानून होंगे, उसके मुताबिक अब कानून व्यवस्था आगे की चलाई जाया करेगी। आम आदमी पार्टी के सांसदों को संसद के सत्र चलते समय सस्पेंड किया गया, जिस पर आम आदमी पार्टी के सांसद ने ट्वीट किया, जिस पर गृह मंत्री अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये तो लोकसभा और राज्यसभा के मामले होते हैं। उन्होंने कहा कि उनके अधिकार को किसी को भी टिप्पणी करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि उनको लगा होगा सस्पेंड करना, तो उन्होंने सस्पेंड कर दिया। देखिए, ये तो लोकसभा और राज्यसभा के मामले होते हैं, इनके अधिकार तो उनके जो अंदर के लोग होते हैं उन्हीं को ही होता है, उस पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी करना उचित बात नहीं होता। उन्होंने समझा होगा कि इनको सस्पेंड करना चाहिए, तो उन्होंने किया।
कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने बाढ़ से हुई किसानों के फसल पर बयान दिया, जिस पर गृह मंत्री अनिल विज ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सुरजेवाला को अपना इतिहास तो याद नहीं, मैंने खुद विधानसभा में देखा है, किसानों को दो दो रुपए के चेक ये बांटा करते थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने तो ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया, जिसका जो नुकसान हुआ है वो वहां भरे, सरकार आकलन करके उनको मुआवजा देगी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सुरजेवाला को तो बोलने की आदत हो गई है, वो लगातार बोलते रहते हैं। सुरजेवाला जी को अपना इतिहास तो याद नहीं है, मैंने खुद विधानसभा में देखा दो दो रुपए के जो चेक ये बांटा करते थे। हमारी सरकार ने तो ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया, जिसका जो नुकसान हुआ है वो उसमें भरे और सरकार आकलन करके उनको मुआवजा देगी, चाहे सभी प्रकार के किसी के भी नुकसान है तो उसका लोगों को भरने का अधिकार दिया। सुरजेवाला जी को तो बोलने की आदत हो गई है, अब ये तो लगातार बोलते रहते हैं। सत्य खबर के लिए अंबाला से कृष्णा बाली की रिपोर्ट। सत्य सटीक बेबाक।